नमस्कार, जरा हट के हिंदी में आप सभी के एक बार फिर से स्वागत है। 15 अगस्त 2019 को इस बार रक्षाबंधन का त्यौहार है। आज हम आपको बता रहे हैं इसका मंत्र, मुहूर्त और 20 ऐसी बातें जो शायद ही किसी को पता होंगी। आइए जान लेते हैं विस्तार से। भाई और बहन का खूबसूरत पर्व रक्षाबंधन इस वर्ष भारतीय स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त को आ रहा है। रक्षाबंधन के दिन बांधा गया रक्षा सूत्र भाई को अकाल मृत्यु के भय से भी बचाता है। यह रक्षा सूत्र विपरीत स्थिति में मजबूती देता है। इस साल रक्षाबंधन पर राखी बांधने का मुहूर्त काफी लंबा है। रक्षाबंधन 2019 के दिन बहन अपने भाई को सुबह 5:49 से लेकर शाम 6:01 तक राखी बांध सकती हैं। पर्व मनाने की सरल विधि, आइए हम आपको बताते हैं कि रक्षाबंधन की सबसे सरल विधि किस प्रकार से है। पहला है, रक्षाबंधन के दिन बहने सबसे पहले भाई बहन उठकर स्नान कर सभी कामों से निवृत्त होकर रंग बिरंगे सुंदर और नवीन कपड़े पहनकर सूर्य देव को जल चढ़ाएं और घर के मंदिर में यथाशक्ति पूजा अर्चना करें। दूसरी चीज, भाई बहन एक दूसरे का मुंह मीठा करवाएं और शुभ मुहूर्त में राखी बांधने की तैयारी करें। फिर तीसरी चीज, चांदी पीतल तांबे या कोई भी साफ स्वच्छ थाली लें। इस थाली में सुंदर कपड़ा बिछाएं, जल का कलश, नारियल, सुपारी, मोली, रोली, चंदन, अक्षत, दही, रक्षा सूत्र, उपहार और मिठाई जरूर रखें। इस प्रकार से अपनी थाली को सजाएं। छठी चीज है, घी का एक दीपक भी रखें जिससे भाई की आरती कर सकें। सातवीं चीज, रक्षा सूत्र और पूजा की थाल सबसे पहले भगवान को समर्पित करें। आठवीं चीज, भाई से पहले अपने इष्ट देव कान्हा या श्री गणेश या फिर शिव जी को राखी अर्पित करनी चाहिए, तभी भाई को राखी बांधनी चाहिए। ये बात आप सबसे पहले जान लें, सभी बहनें इसको जरूर जानें। नौवीं चीज, नाग देवता और भैरव जी के नाम की राखी बांधना बिल्कुल ना भूलें। ये बात शायद ही किसी को पता होगी कि नाग देवता और भैरव जी के नाम की राखी भी जरूर रखनी चाहिए। दसवीं बात, इसके बाद दिन के सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त में भाई को पूर्व या उत्तर की तरफ मुंह करके किसी पटिए पर बिठाएं। ग्यारहवीं बात, पहले भाई को तिलक लगाएं, फिर रक्षा सूत्र बांधें, फिर आरती करें। पूरा पूजन कार्य मनोयोग से करें। सेल्फी आप बाद में भी ले सकते हैं। बेहतर होगा कि पर्व मनाने के दौरान एक झोले में सबके मोबाइल रख दें और कुछ देर के लिए भूल जाएं। पहले आप विधिवत पूजा करें, उसके बाद आप अपनी फोटो वगैरह खींच सकते हैं। क्योंकि आजकल ज़्यादा चलन चला हुआ है, पहले लोग फोटो खींचने लगते हैं और पूजन का पूरा विधिवत भूल जाते हैं। बारहवीं बात, राखी बांधते समय बहन इस मंत्र का उच्चारण करें, इससे भाई की आयु में वृद्धि होती है, उसकी आयु लंबी होती है। मंत्र को हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिख देंगे। मंत्र इस प्रकार से है, ओम येन बुद्धि बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रति बंधानामी रक्षे मा चल मा चल। तेरहवीं बात, इसके बाद मिठाई खिलाकर भाई की मंगल कामना करें। अब आप साथ में जितनी चाहे फोटो ले सकते हैं, पर्वों की सुंदरता इसी में है कि हंसी खुशी और आनंद का वातावरण बने रहे। रीति रिवाज के दौरान बस फोटो पर ही ध्यान देना उचित नहीं माना जाता। पहले शांतिपूर्वक बड़े बुजुर्ग के सान्निध्य में खुशियां मना ले, फिर मनमर्जी के अनुसार हम फोटो खींचें। चौदहवीं बात, रक्षा सूत्र बांधते समय भाई तथा बहन का सिर खुला नहीं होना चाहिए, सर पर कुछ जरूर रख लें, रूमाल वगैरह आप रख सकते हैं। पंद्रहवीं बात, रक्षा सूत्र बांधने के बाद माता पिता और बड़ों का आशीर्वाद लें, इसके बाद बहन को सामर्थ्य के अनुसार उपहार दें। आजकल बहनें भी जॉब करती हैं तो वह भी अपने भाई के लिए उपहार लाती हैं, यह भी शुभ परंपरा है, इसका भी समर्थन हमें करना चाहिए। बहन छोटी हो या बड़ी, उनके पैर हमेशा एक भाई को स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि बहनें और औरतों को माता का स्वरूप माना गया है। सोलहवीं बात, उपहार और मिठाई में ऐसी चीजें हैं जो दोनों के लिए मंगलकारी और रुचिकर हो। काले वस्त्र तथा तीखा या नमकीन खाद्य पदार्थ थाली में ना रखें और ना ही इस दिन काले वस्त्र पहने। सत्रहवीं बात,
रक्षा सूत्र तीन धागों का होना चाहिए, लाल, पीला और सफेद रक्षा सूत्र, अन्यथा लाल और पीला धागा तो होना ही चाहिए। 18वीं बात, रक्षा सूत्र में चंदन को बेहद शुभ माना जाता है, आप उसमें चंदन भी लगा सकते हैं। 19वीं बात, राखी से पूर्व कलावा भी श्रद्धा पूर्वक बांधे, क्योंकि कलावा पीला और लाल धागे का ही बंधा होता है, तो पहले आप कलावा बांधें। कलावा को ही असली रक्षा सूत्र माना जाता है, उसके बाद आप रंग बिरंगी राखियां बांध सकते हैं। 20वीं बात, 15 अगस्त गुरुवार के दिन रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्त सुबह 5:49 से शाम 6:01 तक है। आप कभी भी चौघड़ियां मुहूर्त देखकर राखी बांध सकते हैं। यदि आप चौघड़ियां मुहूर्त की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमने एक वीडियो अलग से बना रखी है, आप उसको देख सकते हैं। तो इस प्रकार से रक्षाबंधन का मुहूर्त है, और इस प्रकार से आप अपने भाई को राखी बांधें ताकि विधिवत पूर्वक आप राखी बांध सकें, और भाई को अकाल मृत्यु का भय न रहे और उसकी हमेशा उस रक्षा सूत्र से रक्षा होती रहे। तो हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इसी प्रकार की वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।